एनसीपी चीफ शरद पवार एक बार फिर पीएम मोदी के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। दरअसल पीएम की डिग्री के मुद्दे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, साथ ही इसे गैर राजनीतिक मुद्दा बताया है। उन्होंने नासिक में मीडिया से बात करते हुए देश के सामने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सबसे बड़ा बताया। एनसीपी चीफ ने कहा, क्या देश के सामने डिग्री ही एक बड़ा सवाल है? क्या आपकी डिग्री या मेरी डिग्री मायने रखती है? ये कोई राजनीतिक मुद्दा है क्या? बड़े सवाल महंगाई, बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार को लेकर उन मुद्दों पर निशाना बनाना चाहिए। शरद पवार का ये बयान आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में डिग्री दिखाओ अभियान शुरू किया है और खुद वो अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के तहत 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं शरद पवार के इस बयान से कई कयास भी उठने लगे हैं, क्योंकि ऐसा पहला मौका नहीं है जब शरद पवार ने किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष से अलग राय रखी हो। शरद पवार ने हाल ही के दिनों में उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अलग राय रखी थी, साथ ही जेपीसी के मुद्दे से भी विपक्ष से कन्नी काटी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।